खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, गोले दागे गए हैं। आज संभल में दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हुई है, सड़क पर ये सबूत भी है। तो संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। आज संभल में दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची है, लेकिन ये देखिए जरा पत्थरबाजी, सड़कों पर ये आपको तस्वीरें और ये सबूत सब नजर आ रहे हैं। दागे गए आंसू गैस के गोले, पुलिस पर भीड़ का ये पथराव। भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी, अब पुलिस ने बचने की कोशिश की, और पुलिस यही जब एक्शन लेती है तो फिर सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से भी, फिर पुलिस को सामने आना पड़ता है कहते हुए कि डिफेंस में सब कुछ। देखिए आंसू गैस का गोला दागा गया है और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीन संभल में मस्जिद या हरिहर मंदिर, इसको लेकर ये विवाद है। कोर्ट में ये मुकदमा, ये मामला है, और इस बीच दोबारा आज सर्वे की टीम पहुंचने वाली है। आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन इसके पहले हालात जो है तनावपूर्ण है संभल में। अभिनव माथुर का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिनव, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल आशुतोष, जो है आज सुबह जो है लगभग 7:30 बजे के लगभग जो है ये टीम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई है। जब सूरज की पहली किरण जो है निकली है, उसी के साथ ही ये टीम अंदर की तरफ दाखिल हुई, और उसके बाद जो हालात है जो है संभल के, जो है पहले लगभग 1 घंटे के लगभग जो है ये सर्वे लगभग पूरे शांति के साथ चला, और उसके बाद यहाँ की जो भीड़ है वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गई है जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में। मैं इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी कुछ ही मिनट पहले जो है इसी जगह पर जो है आक्रोशित भीड़ में जो है ये पूरी तरह से पत्थरबाजी की, आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक बार फिर डीएम जो है हालात पर जो है नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये गोलियां की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि आंसू गैस के गोले जो है इस पूरी हालात पर जो है कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए जो कोशिश की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त यहाँ पर जो की गई है, सामने आप देखेंगे तो देखिए यहीं पर अभी अभी जो पत्थरबाजी यहाँ पर जो की गई थी पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस को इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कहीं ना कहीं आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा, टीयर्स गैस का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ा, और अभी भी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई इस पूरे हालात पर कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा मैन से कहूंगा इधर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए सामने इस वक्त जो है भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ ठीक जो है पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, एसपी हैं, खुद जो है वो जामा मस्जिद है जहां पर अंदर कहीं ना कहीं जो है इस पूरी हालात पर जो है कहीं ना कहीं वो जो कि जो है इस पर आक्रोशित थी, इस पर फिलहाल जो है काबू पाने के लिए लगातार जो अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देखेंगे, देखिए डीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, देखिए सामने हेलमेट लगाई हुई इस वक्त यहाँ पर जो है डीएम मौजूद है खुद, जो कि इस पूरे हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर जो है तैनात है। ये भी क्लियर करिए कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग हैं या फिर किसने? बिल्कुल आशुतोष, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करने वाले वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। एक भीड़ थी जो कि जो है सर्वे को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही थी, और फिलहाल जो अधिकारी है वो यहाँ के जो हालात हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश करने में लगे हैं। ठीक, मैं आपको अगर जो दूसरी तरफ दिखाऊं, देखिए ये वो दूसरी तरफ का इलाका है जहां पर ये इधर जामा मस्जिद है, इधर ठीक दूसरी तरफ का इलाका है जहां पर अभी कुछ देर पहले अधिकारी यहां पर गए थे यहां की भीड़ को जो समझाने के लिए। अब इस सड़क पर जो सन्नाटा पसर गया है, पूरी तरह से आगे पुलिस के जवान तैनात हैं, और कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसको समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ठीक दूसरी तरफ पूरी तरह से इलाका छावनी में तब्दील है, क्योंकि जिस तरह से सर्वे के लिए टीम ये पहुंची है, हालात कहीं ना कहीं जो तनावपूर्ण है वो हो चले हैं संभल के। हालांकि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर इस वक्त जो तैनात किया गया है, तमाम आरआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। इसको सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है? और सुबह सवेरे अगर पुलिस पहुंचती है, सर्वे की टीम पहुंच रही है, तो इतनी संख्या में लोग वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे पत्थरबाजी होती है? देखिए बिल्कुल आशुतोष, आकर सुलवाने के बाद देखिए आपको, देखिए अभी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये वो टीयर्स गैस के जो है गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि भीड़ पर आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने की कोशिश है। सामने आप जो देखेंगे अधिकारी लगातार मौजूद हैं, जो कि जो है कहीं ना कहीं उनके सुपरविजन में ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है, फिलहाल इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश है। जहां तक आपका सवाल है कि कौन लोग इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर बात की जाए तो जामा मस्जिद के अंदर से अभी कुछ ही देर पहले जफर अली, जो कि जामा मस्जिद के सदर भी हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि आप लोग जो अपने अपने घरों को लौट जाएं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन इसके बावजूद भी
वो भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि हालात अब संभल के तनावपूर्ण हो चले हैं। क्योंकि हालांकि इससे पहले जो संभल की स्थिति थी वो शुक्रवार में जो है जुम्मे की नमाज को लेकर तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अब की जो स्थिति है वो आज एक बार जब फिर जब सर्वे शुरू हुआ रविवार के दिन सुबह से ही, तो एक बार फिर संभल में स्थिति जो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण शांति वाली है। हालांकि इसको शांति जो है नहीं कहा जा सकता है, हालांकि अभी अभी जो आक्रोशित भीड़ ने जिस तरीके से जो पत्थरबाजी जो पुलिस के ऊपर की, उसके हालात पर अब फिलहाल कहीं ना कहीं काबू पाना ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए हालांकि अगर बात की जाए तो डीएम और एसपी ने लगातार जो है वो उच्च अधिकारियों के संपर्क में है और उनको जो संभल का अपडेट है वो लगातार दे रहे हैं, संभल के हालात की जानकारी दे रहे हैं। जी आशुतोष। अभिनव, अब जरा दर्शकों को ये बताइए कि ये पूरा विवाद क्यों है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए बिल्कुल 19 नवंबर के दिन जो है संभल जिले की चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जो है एक वाद दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से आए हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये पूरा वाद दायर किया जाता है और उसमें सीधे तौर पर जो है कहा जाता है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो दावे के साथ अभिनव जुड़े रहिएगा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये अपडेट कर रहे हैं। देखिए जरा उस तरफ लोग हैं, इस तरफ पुलिस है, और बीच में आप देख पा रहे हैं पत्थरों से पटा पड़ा हुई है पूरा, पूरी की जो पूरी सड़क है आपको नजर आ रही होगी, देखिए जरा हर तरफ पत्थर, और अभी भी उस तरफ से हाथ हिलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपील लगातार कर रही है कि आप कृपया घरों को चले जाएं, वापस जाएं, हालात शांतिपूर्ण रहे, तनाव ना फैले। डीएम भी मौके पर है, पूरा जो पुलिस प्रशासन का महकमा है वो उतरा हुआ है, डीएम खुद लीड कर रहे हैं, कप्तान भी हैं, और तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी, जिले के पुलिस बल अधिकांश और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। और ये देखिए जरा पत्थरबाजी जमकर हुई है। सर्वे की टीम दोबारा आज, लेकिन इसके पहले सुबह सवेरे ही ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभल, संभल में क्या हालात हैं, खामोशी जो है वो तनावपूर्ण वाली शांति कहिए फिलहाल, क्योंकि पुलिस ने मोर्चा संभाला है, अपील भी किया जा रहा है, लोगों से अपील पुलिस कर रही है कि आप वापस जाएं। पुलिस को आंसू गैस की गोली दागने पड़े हैं हालात को काबू में करने के लिए। ये देखिए जरा पत्थरबाजी हो रही है साफ तौर पर, दूर से आप देख पा रहे हैं, कैमरे में सब कुछ कैद है ये सबूत। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, और ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे हैं पुलिस ने, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दागने पड़े हैं आंसू गैस के गोले, और पुलिस पर भीड़ का यह पथराव। अभिनव माथुर मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता। अभिनव, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाते रहें और जानकारी पहुंचाते रहें। देखिए बिल्कुल आशुतोष, इस वक्त जो हम आज तक पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं वो इस वक्त संभल की बिगड़े हुए हालात की तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त जो तनावपूर्ण बेहद जो है माहौल है, सामने डीएम खुद मौके पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए टीयर्स गैस जो है जो छोड़ी जा रही है इस पूरी भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए, सामने की जो स्थिति है ये पूरा इलाका अगर जो कहा जाए तो सामने की तरफ ये पूरी इस तरफ जो है मुस्लिम आबादी है, पीछे की साइड में एक तरफ जामा मस्जिद है, दूसरी तरफ जो ये पूरी आबादी है जहां से ये भीड़ पूरी जो है निकली थी, और उसके बाद ये पूरा आक्रोश जो है पनप करके जो सामने आ रहा है। आप सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर जो देख सकते हैं कि इस वक्त जो डीएम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर पूरी से मौजूद है जो हालात पर कहीं ना कहीं को भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके की ये लोग जो है हंगामा कर रहे हैं।